ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारतवर्ष को एक वक्त पे सोने की चिड़िया कहे जाते थे। पर क्या आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष को विश्व गुरु भी कहा जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों के साथ जानने वाले हैं विश्व गुरु के साथ जुड़ी दो चीज़, 108 और रुद्राक्ष के बारे में। हेलो लर्नर्स, द डिवाइन ट्रैक की आज की इस प्रस्तुतकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है रुद्राक्ष, ब्लूबेरी नाम के फल से पाए जाने वाले बीट्स, जिसे हम रुद्राक्ष के रूप में जानते हैं, और जो आप लोग शिव जी समेत और देवी देवताओं के गले और हाथों में देखते होंगे। अगर भारत की बात की जाए तो रुद्राक्ष के पेड़ हिमालयन रेंज से नेपाल की आसपास की इलाकों में पाए जाते हैं, और इसके अलावा साउथ एंड साउथर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, गुआम और हवाई नाम की जगह पे भी पाए जाते हैं। और पूरे धरती में रुद्राक्ष के कुल 300 प्रजातियाँ पाए जाते हैं। उनमें से लगभग 30 प्रजाति के रुद्राक्ष भारत में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, और रुद्राक्ष की सृष्टि को लेकर एक प्रचलित कथा यह है कि एक बार शिव जी अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी आँखों को 1,000 साल तक बंद रखने की कोशिश की, और उसके बाद आँख खोलने पर आँखों से कुछ बूंद आंसू जमीन पर गिरे थे, और उन आंसू से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। रुद्राक्ष की फेस के हिसाब से, मतलब मुख के हिसाब से, 21 प्रकार के रुद्राक्ष को लोग धारण करते हैं या बाजार में पाए जाते हैं, जैसे एक मुखी, दो मुखी इत्यादि 21 मुखी तक। जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं वह हमारे शरीर की पसीना और गर्मी की वजह से, और कई बार पसीना और गर्मी की पैटर्न के हिसाब से वह अपनी रंग बदल कर धीरे धीरे काले हो जाते हैं। और एक अजीब बात यह है कि हर एक रुद्राक्ष अलग अलग दिखते हैं, मतलब एक मुखी रुद्राक्ष दो मुखी रुद्राक्ष से मेल नहीं खाते, या दो मुखी रुद्राक्ष चार मुखी रुद्राक्ष से अलग दिखते हैं, मतलब हर एक रुद्राक्ष यूनिक होता है। रुद्राक्ष सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ है, जो कि शिव जी के वक्त से यानी आज से लगभग करोड़ों या लाखों साल पहले से, और ये इतने रेयर है कि इसके कुछ गिने चुने प्रजातियाँ कुछ खास जगह पे ही पाए जाते हैं। और एक खास बात यह है कि शिवजी जैसे देवताओं से लेकर आम इंसान भी इसे पहनते हैं या धारण करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने की वजह यह है कि हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मकता है उसे दूर रखने के लिए, एवं हमारे शरीर से बुरे शक्तियों को दूर रखने के लिए। और ये तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लोगों को रुद्राक्ष के बेनिफिट्स के बारे में जानना है या रुद्राक्ष के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की ओर, जो 108 के बारे में है। देखिए 108, 0, 1, 100 या 1,000 सभी एक संख्या ही है, और संख्या की कोई एक्सप्लेनेशन या विस्तारित विवरण तो होता नहीं है, जो कि हम कर भी नहीं सकते। और ये सुनकर भी कितना अजीब लग रहा होगा कि संख्या की विवरण या विस्तार, असल में हम कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में है या कितने दाम में हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम गणित के लिए हम संख्या को इस्तेमाल करते हैं, ना कि संख्या की कोई अलग विवरण होती है। लेकिन हाँ, संख्या की कुछ फैक्ट ज़रूर होते हैं, जैसे 0 के कुछ फैक्ट हैं,
ऐसे ही 108 के भी कुछ फैक्ट हैं। तो आज हम 108 की कुछ ऐसी अनोखी फैक्ट जिसे सुनकर आप लोगों को 108 की महत्व पता चल जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि क्यों पूजाओं में, मंदिरों में और हमारे भक्ति भाव में 108 की इतनी महत्व है। तो फैक्ट नंबर 1, सूर्य का जो व्यास वह पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है और वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। फैक्ट नंबर 2, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आंतरिक तापमान यानी इंटरनल टेम्परेचर है जिस पर मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग अधिक गर्म होने से ये विफल होने लगते हैं। मतलब शरीर के अंदर 108 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो गए तो हमारे अंदरूनी अंग नष्ट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, सूर्य नमस्कार अक्सर 12 आसन के 9 चक्रों में किया जाता है यानी कुल 108 आसन या नमस्कार। और प्राणायाम में ये कहा जाता है कि कोई ध्यान में इतना शांत होता है कि वह केवल एक दिन में 108 बार ही सांसें आती हैं तो उनको आत्मज्ञान यानी एनलाइटमेंट होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, मनुष्य के सूक्ष्म अंग यानी ह्यूमन माइक्रोकॉस्मिज्म की माने तो हमारे शरीर में 108 ऊर्जा रेखाएं हैं जो हृदय चक्र बनाने के लिए अनुकरण करते हैं। हमारे पूरे अंग में शरीर के 108 पवित्र भाग भी मौजूद हैं जिसे हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं। फैक्ट नंबर 5, संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं और उनमें दो लिंग या जाति है, एक है स्त्री और एक पुरुष, जैसे श, श से शक्ति, श से शिवा, न से नदी, न से नद। तो 54 अक्षर दो बार यानी होता है 108। फैक्ट नंबर 6, हिंदुओं में 108 देवी देवताओं और पवित्र स्थानों की नाम है, बौद्ध धर्म में 108 ब्रह्म है और जैन धर्म में 108 गुण है। फैक्ट नंबर 7, न्यूमेरोलॉजी यानी अंक शास्त्रों में 108 के एक यानी हायर ट्रूथ और गॉड मतलब सर्वोच्च सच यानी भगवान, शून्य यानी एम्प्टीनेस और कंप्लीटनेस इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब साधना में खालीपन या पूर्णता, 8 यानी इटर्निटी और इन्फिनिटी मतलब अनंत अनंत काल, और 108 को जोड़े तो 9 यानी द नंबर कंप्लीटेशन। इन चीज़ों से यही मतलब निकलता है कि सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च सच यानी भगवान और हमारे शरीर की बीच के फासला अनंत अनंत काल भी हो सकती है और साधना के जरिए महज कुछ पल का भी हो सकती है। और एक फैक्ट देखो, 1 to the power 2 या 1 to the power 3 या 1 to the power 100 होता है 1, 2 to the power 2 होता है 4, 2 to the power 3 होता है 8 और 3 to the power 2 होता है 9, 3 to the power 3 होता है 27। तो ये देखो, 1 to the power 1 मल्टीप्लीकेशन 2 to the power 2 मल्टीप्लीकेशन 3 to the power 3 पता है कितना होता है 108, है ना मज़ेदार। अब तुम लोग कमेंट में ये बताओ कि 3 to the power 1 मल्टीप्लीकेशन 3 to the power 2 मल्टीप्लीकेशन 3 to the power 3 कितना होगा। चलो दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं हमारी आज की प्रस्तुतकार आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए।